जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बहुत बड़ा जंबो गेट है। यहाँ पे हमारे को इतने लंबे सिर्फ दो ही पड़ते हैं लगाने के लिए, तो वो तो इसमें इनसफिशिएंट रहेंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हम सबको होती हैं क्योंकि हमारा जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल जॉब है और ये हमारा रेंट का घर है, तो हम हर बार एक नए पर्दे नए गेट और खिड़की के अकॉर्डिंग नहीं खरीद सकते। ये प्रॉब्लम आप सबको भी होती होगी। आज मैं आपको यही DIY बताने वाली हूँ कि आप जो आपके पास पुराना मटेरियल या आपके पास जो पुराने साइज के आपके पर्दे हैं उन पर्दों से आप अपने नए घर को कैसे डेकोरेट करें। तो चलिए, ये पर्दे मैंने यहाँ पे टांग दिए हैं, ये दो पर्दे हैं और ये इसको पूरा एरिया कवर नहीं कर पा रहे। आप कैसे भी इसको एडजस्ट करेंगे बट ये कवर नहीं होगा और ये यहाँ से इसका ओपनिंग तो देखिए, ये तो ये एरिया खुला ही रहेगा क्योंकि ये आने जाने का रास्ता है बट ये यहाँ पे बहुत खाली खाली लग रहा है। नॉर्मली पर्दों में चुन्नट होती है इस तरह की बट अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये यहाँ का बीच का पोर्शन खाली रहेगा। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, ये मेरे पास दो कर्टेंस हैं जो मैं यहाँ पे लगा दूंगी तो ये इधर पे आ जाएगा और बीच में ये दो कर्टेंस स्पेस फिल कर देंगे। इन कर्टेंस की हाइट इन कर्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है तो इन कर्टेंस को यहाँ पर यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप भी अपने घर पे जो आपके पुराने छोटे कर्टेंस हैं वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम इन दोनों कर्टेंस को यहाँ पर लगा कर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। कर्टन्स यहाँ पे डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कर्टन्स की हाइट कितनी छोटी है इनसे। और अब हम यहाँ पर हमारा सोफा रख देंगे जिससे ये जो लेवल है वो इक्वल हो जाएगा तो ये पता ही नहीं। कर्टन DIY रेडी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें।